कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अभी एक फोटो शूट कराई है मैंने, क्योंकि वो जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद वीडियो अलाउ नहीं। उधर से हम एंट्री करते हैं और ये पैसेज में चलते 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 कम है। ये जो है मेन ताजमहल का आर्किटेक्चर, जहाँ पे इसके अंदर मुमताज़ की कब्र है। ये एक ईदगाह है जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। We had 5 samosa, 3 bedmi puri na, yeah, one lemon soda, one dhokla, one fruity and 2 chai. Hi, good morning. My shadow beats with full makeup and getting ready wala shot lene ke liye ready. Hi, hello, welcome back to my shadow beats. मैं हूँ आप सबकी पल्लवी, गुड मॉर्निंग, और ये है अनुष्का। ये व्लॉग है आगरा से, और आगरा में क्या है, ताजमहल। सो यस, हम आए हैं ताजमहल देखने, और ताजमहल देखने के लिए हम सुबह सुबह 4:30 बजे उठे, रेडी होके फुल मेकअप, एंड आई एम वेयरिंग दिस वाइट लहंगा जो ताज के साथ अच्छी फोटो आएगी, एंड सिस्टर इज वेयरिंग दिस प्रिंटेड ड्रेस। इट वॉज अ वेरी, व्हाट डू यू से, ट्रेजिक मॉर्निंग फॉर अस, क्योंकि हम 4:30 बजे लिटरली उठे थे, एंड वी गॉट रेडी बाय 5:30, एंड वी लाइक स्टेप्ड आउट लिटरली, बट होटल वाले ने बोला कि सर बहुत सब मैम बहुत ही ज़्यादा फॉग होगा, तो जाना इज लाइक नॉट बी गुड आइडिया। सो इट वॉज वेरी फॉगी, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, बहुत ज़्यादा फॉग था, और वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान। उन्होंने बोला कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एक्चुअली फॉग बहुत ज़्यादा तेज थी। इतनी स्टेप आउट हो चुके थे होटल से, एंड देन अगेन वी केम बैक टू आवर होटल, एंड देन एवरीवन स्लेप्ट 2 घंटे। फिर हम क्या ही करते मेकअप के साथ, फिर हम ऐसे ही, मैं बोल रही थी इनको कि चलो चलो ठीक है, चल ही लेते हैं, देख लेते हैं, क्या पता फॉग के साथ ही ले लेंगे, बट अभी तो खैर काफ़ी भीड़ हो चुकी है, एंड ऑल्सो इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, तो काफ़ी टूरिस्ट आ चुके हैं, बट लेट्स सी, होपफुली थोड़े तो अच्छे शॉट्स आ ही जाएंगे। और 2-3 जगह भी मैंने पता करी है फॉर विच इज़ नॉट वेरी टूरिस्टी, नॉट वेरी पॉपुलर, बट वहाँ से ताजमहल के शॉट्स अच्छे आते हैं, सो वी विल कवर दैट ऑल्सो। सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग, आपको भी मज़ा आने वाला है, हम भी ताजमहल देखेंगे। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, ये इसने शायद देख रखा है एक बार, तो हाँ। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड लेट्स गो। पार्किंग से जैसे ही आप निकलोगे, वैसे ही आपको ये टिकट काउंटर दिखेगी, जहाँ पर यू कैन गेट टूरिस्ट गाइड्स, एंड ऑल्सो टिकट प्राइस, टिकट्स आप बाई कर सकते हो। सो जनरल टिकट इज़ 50 रुपीज़ सिर्फ ताजमहल की एंट्री के लिए, एंड अगर आपको अंदर जो ताजमहल में जो मकबरा है वहाँ जाना है, तो उसके लिए 200 के टिकट्स एक्स्ट्रा है, जो आप अंदर भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। 20 रुपीज़ पर पर्सन है ये रिक्शा की पार्किंग से। पहले जैसे कार एंड ऑटो वाले बेसिकली लेके जाते थे आपको ताजमहल के गेट तक, अभी वो बंद कर दिया है, सो आपको ये ई रिक्शा लेनी ही पड़ेगी। तो ये ई रिक्शा से ही आप पार्किंग से जाओगे ताजमहल के गेट तक, एंड फिर उसके बाद वहाँ से वापस आते टाइम भी सेम ई रिक्शा आपको मिलेगी। जहाँ आपको ई रिक्शा ड्रॉप करती है, वहाँ से दुकानें शुरू हो जाती हैं। ऑफकोर्स ताजमहल में मार्बल फेमस है, ताजमहल के मार्बल के आपको सुविनेर्स मिलेंगे, फिर यहाँ कपड़े मिलेंगे, एंड ये खाने पीने की बहुत सारे दुकानें हैं। तो ताजमहल के बहुत सारे गेट्स, और सारे गेट्स के बाहर आपको ये दुकानें मिलेंगी। जो हमारी जनरल एंट्री टिकट है फॉर इंडियंस ताजमहल में, वो 50 रुपये की है, बट वही टिकट फॉरनर्स के लिए 1100 रुपये की है। यस, 1100 रुपीज़। तो यहाँ से बेसिकली हम टिकट खरीद के, हमने ऑनलाइन खरीदी है, तो हम ऑनलाइन बाय करके हमने एंट्री करी है अब यहाँ से। उसके बाद होता है सिक्योरिटी चेक। सो सिक्योरिटी चेक में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, आपको सब कुछ डालना पड़ता है, सिमिलर टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी। और आप ट्राईपॉड लेके नहीं जा सकते हो, आप वीडियो नहीं शूट कर सकते हो आफ्टर 1 पॉइंट ऑफ टाइम। जब एंट्री करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे कहाँ तक अलाउड है बेसिकली। जो मूवीज़ भी अगर शूट होती है तो उसके आगे शूट नहीं होती है। सो मैं गोप्रो जो लेके गई थी, तो लकीली मेरे गोप्रो में जो ट्राईपॉड के लिए 3 लेग्स होते हैं, उसमें से एक लेग टूटी हुई थी, तो वो इट कुडंट स्टैंड, सो इसलिए उन्होंने अलाउ किया, अदरवाइज ट्राईपॉड तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वे ब्यूटीफुल, यस इट्स प्रिटी, इट्स ब्यूटीफुल। Thank you.
तो यहाँ से जब हमने एंट्री करी तो दिस इज़ द पॉइंट, ये देखो आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वीडियोग्राफी सिर्फ इसी पॉइंट तक अलाउड है। तो अगर आप मूवीज़ भी देखोगे जहाँ पे ताजमहल में शूटिंग हुई है वो इसी पॉइंट तक रह के वो शूट करते हैं, क्योंकि आगे जाना इज प्रोहिबिटेड वीडियोग्राफी के लिए। पिक्चर्स आप कितने भी ले सकते हो। ताज तो बहुत ही प्रिटी है, मतलब जितना मतलब मैंने मतलब इट इज़ लाइक एक्चुअली वेरी 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 प्रिटी। ओ गॉड, हम जनरल पब्लिक के टाइम पे आए। श्योर बहुत ही सुंदर, अभी एक फ़ोटो शूट कराई है मैंने रील एंड ऑल, क्योंकि देखो एक इतना सुंदर लगता है इस एंगल से। सो आप यहाँ पे आके फोटोज क्लिक कर सकते हो। वीडियोज़ इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वो जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में उसके बाद वीडियो अलाउ नहीं है। सो अभी मैं टॉल कर रही थी, घूम रही थी, तो उन्होंने मना किया, बट समहाउ मैंने कर लिया और वो इंस्टाग्राम पे है। सो माई शैडो इज़ इंस्टाग्राम, देखो बहुत 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 ही प्रिटी रील है वो। सो बेसिकली जगह है कहाँ, जो लास्ट वाला जो अपना वो है ना ग्रिल, जहाँ से वो एक्चुअली ताजमहल के आप पास पहुँच जाते हो, उसके आपको पहले वाले जो कट है वहाँ आना पड़ेगा। नॉट दैट वन, बट जो लास्ट वाला कट है वहाँ पे आप आओगे। और एकदम एंड पे ये देखो, ये जो कोने वाले पेड़ है यहाँ, तो एक पॉइंट पे फोटो डन, अब हम कोई और पॉइंट पे जा रहे हैं। वैसे भी हमने अभी तक पूरा देखा ही नहीं है ताजमहल, एंड अब हम बाकी ताजमहल घूमेंगे। मम्मी भी पहले घूम चुकी है, स्वीटी भी पहले घूम चुकी है, नाउ दिस इज़ माय टर्न। सो अब ये लोग मुझे बाकी का ताजमहल घुमाएंगे, और वहाँ पे अगर कोई हमको शॉट्स दिखेंगे अच्छी जगह पे तो लेंगे, वहाँ पे भी लेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है। इट्स 11:30, लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, एंड ऑल्सो इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, बट ठीक है, विल फिगर आउट। मम्मी आ जाओ, वी आर गोइंग क्लोज टू द ताज। तो ताज, एक तो होती है एंट्री टिकट जिससे हम ताजमहल के कैंपस में आते हैं, और ये है ताजमहल, और दूसरी जो टिकट होगी वो ताजमहल के अंदर जाने की होगी, जहाँ से वो दिखाते हैं कि मुमताज की कब्र जहाँ पे है। सो बेसिकली वो जो ऊपर ताजमहल पे लोग चढ़े हुए हैं वहाँ की, सो उसकी टिकट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी और बाहर से भी ले लोगे। सो बेसिकली सो यहाँ के भी लोगे तो भी सेफ, कोई बात नहीं, 200 रुपये है। तो बाहर से जो टिकट मिलती है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप अंदर में यहाँ पे जाने की टिकट बाहर से भी ले सकते हो, अगर आप बाहर लोगे तो 50 रुपीज़ की जनरल एंट्री टिकट है, और अगर आप एंट्री टिकट प्लस जो मेन अंदर जाने की ताजमहल में जो टिकट है वो बाहर से ही लोगे, दैट इज़ 250। तो ताजमहल वाले कैंपस में जो ये वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है, दिस इज़ बेसिकली द मॉस्क, मस्जिद है ये, और फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है क्योंकि यहाँ नमाज पढ़ते हैं, अदरवाइज इट्स ओपन फ्रॉम सैटरडे टू थर्सडे, फ्राइडे इट्स क्लोज्ड। यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आपको मकबरे के अंदर जाना है जहाँ मुमताज की कब्र है, उसके लिए आपको 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी ऑनलाइन या काउंटर पे। आपको ऊपर जाना है यहाँ पे, यू हैव टू ऑल्सो टेक द शू कवर्स, 10 रुपीज़ पर पेयर मार्बल, कितना ठंडा है, सी देयर इज अ बैरिकेड हियर वेयर यू कांट गो, बट उधर से हम एंट्री करते हैं, और ये पैसेज में चलते 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 कम है। दोनों साइड मस्जिद है, एक उधर है और ये बीच में ताजमहल, एंड दैट साइड ऑल्सो दिस मस्जिद, एंड उधर भी मस्जिद है। सो एक बैरिकेड है, ये यू कैन नॉट गो यहाँ पे, एक साइड साइड में ये ऐसी एक बैरिकेड है, इसको चलते 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 कोने से ऐसे 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 करके फिर हमको जाना है अंदर। Without shoe covers, you cannot come here. So basically, free shoe covers भी मिलते हैं, वो थोड़े गंदे थे तो हमने वो लिए नहीं, है ना सिस्टर, हमने कौन से लिए, 10 रुपीज़ पर पेयर डिस्पोजेबल वंस। ये जो है
है मेन ताजमहल का आर्किटेक्चर, जहाँ पे इसके अंदर मुमताज़ की कब्र ऐसा बोलते हैं, बीच में मकबरा है, अंदर नीचे बहुत नीचे कब्र है जो कि आज तक कोई जाता नहीं। सो बेसिकली आप जब इसमें एंटर करोगे, इसी के 200 रुपये जो फीस लेते हैं, सो यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट समहाउ मैंने किसी तरह से ये वीडियो ले ली है। सो आप अभी जो ये देख रहे हो, ऐसा बोलते हैं कि यही यहाँ पर मकबरा है, इसी के नीचे जा कर के मुमताज़ की जो है वो कब्र है वहाँ पर। ये आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि नो कंट्रोवर्सी चल रही है कि ताजमहल भी पहले एक मंदिर था और शिव भगवान की नटराज की मूर्तियाँ बनी हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये देखो आप, ये फूल देख के मुझे लगा कि ये ओम का साइन है, और ऐसी बहुत सारी जगहों पे है। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, बट मुझे ऐसा लगा कि क्या पता व्हाट कंट्रोवर्सी इज़ दैट, बट आई थिंक मुझे हर जगह पर ऐसी चीज़ें दिख रही थी। ये ताजमहल का बैक साइड है, एंड देन यमुना रिवर, बोटिंग भी होती है यहाँ से। ओ माय गॉड, भीड़ बढ़ती जा रही है। ओह माय गॉड, कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है जब हम आए थे उस टाइम से। इट्स क्रेजी। हाँ, ताजमहल तो ताजमहल है, इट्स वे ब्यूटीफुल। मैंने वैसे भी आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप, और मुझे रोम बहुत सुंदर लगा, मुझे फ्लोरेंस भी बहुत अच्छा लगा, ओनली बिकॉज दे हैव प्रिजर्व देयर कल्चर एंड आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट। बट अपना इंडिया का ताजमहल मैंने अभी तक नहीं देखा था। ये देखने के बाद आई कैन से दैट येस, नो डाउट ये कभी वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड था, बिकॉज इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल। एंड स्पेशली वो जो आर्ट है जो उसमें, अगर आप अंदर जाओगे 200 वाले टिकट में, जो उन्होंने नक्काशी की है, जो आर्ट करा है मार्बल में, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। पवर लाइक्स आर्ट, जिनको आर्ट पसंद है। सो ताजमहल में जो आर्ट करी हुई है वॉल पे और पूरे ताजमहल पे, इट्स ब्रिलियंट, इट्स वेरी 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 प्रिटी। अदरवाइज़ अगर आप ताजमहल एंट्रेंस के पास से देखोगे दूर से, तो ताज तो ताज है। तब ये एक ईदगाह है जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है नहीं होता है, खमंड होता है। इधर देखो, हाउ वॉज द फूड, लंच ब्रेकफास्ट पता नहीं क्या 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 है। फाइव समोसे, वी हैड 5 समोसे, 3 बेदमी पूरी ना, वन लेमन सोडा, 1 ढोकला, 1 फ्रूटी एंड 2 चाय। हमारा ब्रेकफास्ट लंच साथ में हो गया, और हमने प्रॉपर आगरा वाला ब्रेकफास्ट किया है, कचौड़ी सब्जी समोसे, कचौड़ी तो नहीं खाई, बेदमी पूरी खाई, एंड मज़ा आ गया। मतलब और इतनी गर्मी हो गई, अभी हम तो पूरा फुल पैक होके आए थे, बिकॉज इन द मॉर्निंग इट वॉज़ वेरी फॉगी, बहुत फॉग था, ठंड भी थी, बट अभी मतलब ये ज़बरदस्ती पहनना पड़ रहा है, बिकॉज हमको कैरी नहीं करना है, हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान है, बट राइट नाउ इट्स वेरी 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 हॉट। हाँ, स्वेटर हमने लेयरिंग की थी, स्वेटर, स्कार्फ, जैकेट्स, और मम्मी अभी रिलैक्स है, सॉक्स एंड स्टॉकिंग। रनिंग हम लोग भी किए हैं, अंदर भी हैं। हाँ, 3 गेट्स हैं, और सारे गेट्स के बाहर ऐसे ही खाने पीने की दुकानें हैं और मार्बल शॉप्स हैं। सो आप किसी भी गेट से निकल सकते हो, किसी भी गेट से अंदर जा सकते हो, और कहीं भी खा सकते हो। वापस जा रहे हैं अपनी कार के गाड़ी के पास, एंड फिर वहाँ से चेंज करके जाएंगे। आई नीड टू चेंज फॉर दैट।
दिल्ली आते ही ऐसा मन किया कि चलो गुलाटीज के फेमस गुलाटी कबाब खाए. सो गुलाटी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स इन पंडारा रोड. वहाँ पे फेमस कुल्फ़ी की दुकान भी है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कुल्फ़ी फिरनी एंड बहुत ही अमेजिंग यू नो स्वीट्स मिलते हैं, डेजर्ट्स मिलते हैं. सो मम्मी और स्वीटी को मैं लेके आई गुलाटीज़ में खाना खिलाने, डिनर करने. बेसिकली हम तीनों ने यहाँ डिनर किया. इसके ये गुलाटी कबाब है, बट उसके बाद हमने मटन भी खाया जो कि इसका टॉप क्लास है. मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है बट गुलाटीज़ फूड इज़ अमेजिंग. एंड देन टाइम थी कुल्फ़ी की. दिस इज़ पान कुल्फ़ी, दिस इज़ रस मलाई एंड दिस इज़ खोया कुल्फ़ी, मलाई कुल्फ़ी. क्यों सिस्टर खाओ. सो वी आर बैक फ्रॉम आगरा वृंदावन आगरा. सो हम घर पहुंच चुके हैं. वी आर बैक फ्रॉम आर आगरा वृंदावन आगरा ट्रिप. इट वाज नाइस टू डेज का ट्रिप. एक्चुअली एक दिन का ही, हम सैटरडे गए, फ्राइडे गए 26 को एंड देन वी केम बैक ऑन सैटरडे नाइट. और हम जल्दी ही आ जाते हैं एक्चुअली, समवेयर अराउंड 6:30 हम आ जाते हैं. बट हम गुलाटीज चले गए पंडारा रोड में खाने के लिए यमी यमी मटन जो आपने देखा. सो यस, इट वाज अ नाइस क्विक गेटअवे. जो दम लास्ट मोमेंट ये प्लान हुआ थर्सडे नाइट एंड फ्राइडे नाइट हम चले गए, फ्राइडे मॉर्निंग हम निकल गए. एंड आई होप आपको मेरे वीडियोज़ एंड ये व्लॉग अच्छे लगे हों. सो वीडियोज़ बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज़ आर देयर ऑन इंस्टाग्राम माई शारोबी. ज़वामा के बहुत न्यू कैटेगरी के कलेक्शन लॉन्च हो रहे हैं. स्क्रंचीज तो थे ही बट अभी ज्वेलरीज लॉन्च हो रहे हैं प्रीमियम रेंज के. सो प्लीज़ डू चेक आउट ज़वामा एज वेल. डिस्क्रिप्शन, इसका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है. एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं एक नए ब्लॉग में.